नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम शुरू करते हैं TGT PGT का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है और हम इसी प्रकार डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का ये रहा, वीर गाथा काल का समय है सन 1050 से 1375 तक, संवत 1150 से 1375 तक, सी संवत 1050 से 1375 तक, डी सन 990 से 1300 ईस्वी तक। पहला बताइए, पहले का आपका सी सही है, संवत 1050 से 1375 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये समय है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, आइए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, दैनिकी लेखन, अत्यांचरी। दो, दो का आपका डी सही है, अंत्याक्षरी। प्रश्न तीन, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि हैं रहीमदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, नरोत्तम दास। तीन, तीन का आपका सी सही है, बिहारी लाल। प्रश्न चार, प्रत्यय जोड़े जाते हैं शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के मध्य में, शब्द के आगे पीछे भी। प्रश्न चार, चार का बी सही है, शब्द के पीछे। प्रश्न पांच, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है, चिन्हित कीजिए, मृगावती, अखरावट, मधुमालती, पद्मावती। समय, पांच, पांच का बताइए, इसमें पद्मावती की आपको जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना बतावक है। तो देखिए पद्मावती समय जो दी है रचना, ठीक है, तो ये नहीं है, पद्मावत इनकी रचना है। और इन्हें पूछा कौन सी है, देखिए अखरावट। नेक्स्ट छः, सूची एक एवं दो को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए हास्य के सामने रति है, करुण के सामने निर्वेद है, शांत के सामने शोक है, श्रृंगार के सामने हास है। अब आप लोगों को मिलाना है और इसके जो कूट दिए गए हैं वो इधर दिए हैं, ये इनको देखना है, उनको मिलाना है, इसके बाद आपको हल करना है। देखिए हम मिलाए ले रहे हैं इनको, आइए छोटा करके मिला रहे हैं इसको, दिखे, हाँ अब दिख रहा है कुछ। देखिए हास का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है, श्रृंगार का रति होता है। यानी पहला घा से संबंधित है, तो एक का घा किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे सी में देखिए घा है, जब तीनों में नहीं है तो पहला सी है, आपका सही हो गया एक नंबर से। नेक्स्ट आई अगला प्रश्न सात, ये लीजिए प्रश्न सात, संतनी संतनी कहाँ सीकरी सौ काम, यह पंक्ति है संगीत सम्राट तानसेन की, स्वामी हरिदास की, कुंभनदास की, महाप्रभु वल्लभाचार्य की। सात, सात का सी सही है, कुंभनदास जी की। प्रश्न आठ, ये लीजिए आपका प्रश्न आठ है,
8 हिंदी दिवस है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 14 नवंबर को, 1 मई को, 14 सितंबर को। 8 8 का डी सही है, 14 सितंबर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 रस सूत्र के प्रणेता हैं आचार्य चाणक्य, आचार्य कुंतक, आचार्य भरत मुनि, आचार्य अमर मुनि। 9 9 का आपका सी सही है, आचार्य भरत मुनि। प्रश्न 10 ये लीजिए, अब आपको दिखाई देगा प्रश्न 10। जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द कौन सा है? कृपण, मितव्ययी, अपव्ययी, मक्खी चूस। 10 10 का आपका बी सही है, मितव्ययी। प्रश्न 11 उसने कहा था इस कहानी के रचनाकार हैं किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र। 11 11 का बी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 12 आइए 12 देखते हैं। प्रश्न 12 राजा भोज का सपना के लेखक हैं राजा राधिका रमण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जगमोहन सिंह। राजा भोज का सपना किसकी कृति है ये बताना है। 12 12 घसी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट 13 काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं रस, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति। 13 13 का बी है, अलंकार। 14 14 का कारक चिन्हों का प्रयोग होता है अलंकारों में, वाक्य रचना में, उपसर्गों में, प्रत्ययों में। 14 14 का बी सही है, वाक्य रचना में। 15 आइए प्रश्न 15 देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाक्य रचना, समास रचना, व्यास रचना, शब्द शक्ति रचना। 15 15 का आपका बी सही है, समास रचना। नेक्स्ट 16 बाबू देवी नंदन, बाबू देवी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्र कांता संतति है। ऐतिहासिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, रहस्य रोमांच पूर्ण उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास। बताइए तिलस्मी दिखा है। 16 16 का आपका डी सही है, तिलस्मी। नेक्स्ट 17 शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार हैं सत्यव्रत, राही मसूम रजा, अज्ञे, मुक्ति बोध। 17 17 का सी सही है, अज्ञे। प्रश्न 18 प्रश्न 18 निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला की नहीं है, सांध सुंदरी, जूही की कली, तुलसीदास, पल्लव। 18 18 का डी सही है, पल्लव। आइए प्रश्न 19 देखते हैं। उद्धव शतक है प्रबंध काव्य, चंपू काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। बताइए 19 19 का डी सही है, मुक्तक काव्य। नेक्स्ट 20 निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, अस्थि संधि। 20 20 का सी सही है, अस्थि संधि। नेक्स्ट प्रश्न 20 निम्नलिखित में
से एक संधि का प्रकार नहीं है, तो मैंने बता चुका हूँ इसका कि अस्थि संधि नहीं है। आइए अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उद्धव शतक की गोपियां कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, बी उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी हैं, सी उद्धव शतक की गोपियां सगुण की उपासिका हैं, डी उद्धव शतक की गोपियां भक्त हैं। 21 का बी सही है, उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी हैं। प्रश्न 22। हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम है आदिकाल, चारणकाल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल। 22 का आपका उत्तर डी सही है, वीर गाथा काल। प्रश्न 23। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्हों को कहते हैं संयोजक चिन्ह, कारक चिन्ह, लोप चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। 23 का बी सही है, कारक चिन्ह। 24 जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य विशेषण, सर्वनाम। बताइए 24 का बी सही है, क्रिया विशेषण। 25 हिंदी के प्रगतिवादी युग का आरंभ होता है सन 1935, सन 1942, सन 1936 से सन 1920 से। 25 का सी सही है, 1936 से। नेक्स्ट प्रश्न 26। अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे फ्रायड, क्रोचे, अरस्तु, होरेस। 26 का बी सही है, क्रोचे। प्रश्न 27। विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय है मृत्यु का वर्ण करना, जहर खाना, क्रोध नियंत्रित करना, आत्महत्या करना। 27 का सी सही है। 28 राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा रामायण, रामा दूसरा है रामाणस्य, रामेशु। एक सेकेंड, ये लीजिए, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया था। इसके बाद है रामेशु सी में और डी में दिया है रामस्य। तो बताइए 28 का डी है, रामस्य। 28 का डी। आइए 29 देखते हैं। प्रश्न 29, ये लीजिए 29। दीर्घ सूत्री विनश्यति का अर्थ है लंबी हाँकने वाला नष्ट हो जाता है, कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है, कृपण व्यक्ति नष्ट हो जाता है, लंबी बाहों वाला नष्ट हो जाता है। 29 का बी सही है, कार्य में विलंब करने वाला व्यक्ति यानी करने वाला नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। बताइए ये पंक्ति किस कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी। 30 का सी सही है, मैथिली शरण गुप्त। ये जो पंक्ति है ये दिल को छूती है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक कर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घरों में कुत्तों को दूध पिलाया जाता है और गरीब के
घर में माँ का दूध तक नसीब नहीं होता बच्चे को। तो इस पंक्ति को आप देख पा पढ़ेंगे और देखेंगे आपके हृदय को छू जाएगी। आइए आगे देखते हैं 31 नंबर। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, हरि कृष्ण चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, सौभाग्य मैल जैन। 31 का सी है माखनलाल चतुर्वेदी। 32 विशल देव रासो के रचनाकार हैं विजयपाल रासो, कुमार रासो, विजयपति नाल, नरपति नाल। 32 का आपका डी सही है, नरपति नाल की है विशल देव रासो। नेक्स्ट 33 प्रश्न 33 कामायनी महाकाव्य के प्रथम और अंतिम सर्ग हैं क्रमशः आशा काम, श्रद्धा लज्जा, चिंता आनंद, इड़ा वासना। 33 का सी सही है चिंता आनंद। प्रश्न 34 आइए प्रश्न 34 देखते हैं। 34 एक सेकेंड, हाँ ये भी एक पंक्ति दी हुई है, मैं नीर भरी दुख की बदली, काव्य पंक्ति की कवित्री हैं मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इला डाली मिया। 34 का आपका सी सही है महादेवी वर्मा। 35 प्रश्न 35 रत्नाकर की गंगा अवतरण रचना है मुक्तक काव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, नवगीत। 35 का आपका ए सही है मुक्तक काव्य। आइए 36 देखते हैं। 36 हरि अवध के पवन दूतिका काव्यांश में राधा है देशभक्त नायिका, उदांत नायिका, आत्म केंद्रित नायिका, खंडिता नायिका। 36 का बी सही है उदांत नाटिका। आइए 37 की बात करते हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं हैं तथा चरण के अंत में लघु वर्ण होता है उसे कहते हैं रोला, कुंडलिया, बरवय, दोहा। 37 का जो उत्तर है आपका वो है सी वरवय। 38 आइए फिर पंक्ति दी है 38 में, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। काव्य पंक्ति में रस है करुण रस, विप्रलभ श्रृंगार, शांत संयोग श्रृंगार। 38 का बी सही है बी प्रलभ श्रृंगार। आइए 39 की बात करते हैं। प्रश्न 39 ये रहा आपकी स्क्रीन में, प्रश्न 39 ये लीजिए। उर्वशी काव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत, सुमित्र नंदन पंत। 39 का एक सेकेंड प्रॉब्लम हो गई थोड़ी से, का बी सही है उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 40 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है जो अब हिंदी ने आत्मसात कर लिया, पिल्ला, उपन्यास, शराब, कालिया। 40 का सी है शराब। नेक्स्ट 41 निम्नलिखित में से एक हिंदी की बोली है लहंदा, कन्नौजी, डिंगल, मराठी। 41 का आपका बी सही है कन्नौजी। 42
प्रश्न 42, सुदामा चरित के लेखक हैं विश्वंभर दास, नरोत्तम दास, नरहरी दास, नित्य गोपाल दास। 42, 42 का बी है नरोत्तम दास। 43, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कवि दिनकर, राहुल सांस्कृत्यायन, महात्मा गांधी। 43, 43 का सी से ये राहुल सांस्कृत्यायन। 44, प्रश्न 44, काव्य गुणों की संख्या है 8, 12, 20, 10। 44, 44 का डी सही है 10। नेक्स्ट प्रश्न 45, 45 45 निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास की रचना, सूरदास की एक रचना नहीं है, सूरसागर, रस गंगाधर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। 45, 45 का बी सही है रस गंगाधर। 46, चरण कमल बंदो हरिराई, उक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। 46, 46 का सी है रूपक। अगला प्रश्न 47, 47 में सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त के सामने नदी के द्वीप दिया है, रामधारी सिंह दिनकर के सामने रस कलश है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के सामने कुरुक्षेत्र है, अज्ञेय के सामने आपका जो है भारत भारती दिया है। अब आपके इसके कूट आगे दिए गए हैं, इनको भी देख लेना है। कूट को ऐसे देखिए, ये लीजिए, और आपको समझना है। देखिए अब आपको हम मिलाते हैं कौन सा कूट किसका होगा। देखिए हम पहले देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को मिलाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को देखा जाए तो इनकी रचना भारत भारती है। तो अब आप देखिए कि पहले का कौन सा सही है, घा। अब देखिए घा केवल पहले में दिया है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। मैच कर सकते हैं, दो का घा सही होगा, दो का रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, तीन का खा सही होगा यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रस कलश, और डी का होगा, सो चार का जो है का होगा। तो चार का देखिए कहाँ में रहा, नदी के द्वीप। ऐसे आप मैच कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ए सही है 47 का। प्रश्न 48, आइए प्रश्न 48 देखते हैं। 48, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था सन 1884 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में, सन 1894 ईस्वी में, सन 1872 ईस्वी में। 48, 48 का ए सही है सन 1884 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पास प्रश्न है 49 नंबर का। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, अतीत की चलचित्र। 49, 49 का डी अतीत के चलचित्र। आइए प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50, हाँ ये लीजिए प्रश्न 50, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के लेखक ने चंद्रमा की क्रियाओं के वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया, दृष्टांत, यमक, श्लेष, मानवीकरण। 50, 50 का डी सही है मानवीकरण। प्रश्न 51, श्याम सुंदर दास ने निबंधों की प्रमुख दो शैलियां हैं,
निबंधों की प्रमुख दो शैलियां हैं किसकी, श्याम सुंदर दास की, भावात्मक चित्रात्मक, परिचयात्मक सूत्रात्मक, व्याख्यात्मक विवेचात्मक, विचारात्मक गवेषणात्मक। बताइए कौन सी है? 51। 51 का डी से विचारात्मक और गवेषणात्मक। नेक्स्ट 52। इनमें से एक प्रगतिवादी आलोचक है, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। 52। 52 का सी सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 53। मेरी असफलताएं, आत्मकथा है नगेंद्र की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, बाबू गुलाब राय की, बाबू वृंदावन लाल वर्मा की। 53। 53 का सी सही है, बाबू गुलाब राय की। 54। प्रश्न 54। इनमें से एक व्यक्ति छायावाद का सर्वाधिक सशक्त आलोचक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर दूध नाथ सिंह। 54। 54 का सी सही है, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी। आइए 55 देखते हैं। कबहू की काजी सीकरनी, झीर सिंधु बिनसाई। इस पंक्ति में कांजी सीकरनी का अर्थ क्या है? दुग्ध की बूंदे, कटु रस की बूंदे, मीठा यानी मट्ठा या छाछ की बूंदे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 55। 55 का सी है, मट्ठा या छाछ की बूंदे। नेक्स्ट 56। प्रसाद के नाटकों की निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है, राष्ट्रीय भावना, ऐतिहासिकता, प्रसादांतकता, लास्ट में दिया है रहस्यात्मकता। 56। 56 का आपका डी सही है, रहस्यात्मकता। आइए 56 का डी सही है आपका, याद गई। नेक्स्ट प्रश्न 57। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम त्रिवेणी चिंतामणि, वेणी मणि मुक्ता। 57। 57 का बी है, चिंतामणि। नेक्स्ट 58। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, डॉक्टर सत्येंद्र। 58। 58 का सी सही है, मिश्र बंधु। नेक्स्ट 59। ये लीजिए 59। निम्नलिखित में से एक विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है, सांस्कृतिक भावना, ऐतिहासिक दृष्टि, मानवतावादी दृष्टिकोण, कल्पना। 59। 59 का डी सही है, कल्पना। नेक्स्ट 60। 60 कथाकार शिवानी की कहानियों की मुख्य शैली है विचारात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक। 60। 60 का बी सही है, वर्णात्मक। प्रश्न 61। पठनीयम में प्रत्यय है मतुप, अनियर, तब्यत, त्व। 61। 61 का बी है, अनियर। आइए प्रश्न 62 देखते हैं। सह सह योगेन साथ के योग में विभक्ति होती है द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। 62। 62 का डी सही है, तृतीया। आइए 63 देखते हैं। शिव सिंह सेंगर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? शिव शक्ति स्रोत, शिवा बावनी, शिव सिंह सरोज, शिव संवाद। 63। 63 का सी सही है, शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट 64। लल्लू लाल की रचना का नाम है सुख सागर, प्रेम सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर। 64।
64 का बी सही है, प्रेम सागर। 65, प्रजाहितैषी पत्र प्रकाशित किया शिव प्रसाद सितारे हिंद सदल मृष राम सिंह तोमर राजा लक्ष्मण सिंह ने। 65 का डी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। 66, निम्नलिखित में एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चक्रवर्ती। 66 का डी है, चक्रवर्ती। 67, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 67 का डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 68 देखते हैं, अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है वचनों से बाहर, वाणी द्वारा अकथनीय, वाणी का विषय। लास्ट में दिया डी में, वचनहीन। 68 का बी सही है, वाणी द्वारा अकथनीय। आइए प्रश्न 69 को देखते हैं, ये है आपका 69 प्रश्न, ये लीजिए। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, निष्पत्ति होती है, व्यक्ति होती है। 69 का सी है, निष्पत्ति होती है। 70 अभिज्ञान शाकुंतलम है काव्य, दृश्य काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य। 70 का भी दृश्य काव्य। नेक्स्ट 71, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, यह काव्य यह कथन किस कवि का है? धूमिल, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे। 71 का डी है, अज्ञे। प्रश्न 72 हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचने की चेतावनी दी है, दुखवाद से, पलायन से, अनैतिक कार्यों से, विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। 72 का डी सही है, विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। 73 प्रश्न 73, द्रौपदी खंड काव्य के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेश शर्मा, नागार्जुन, रमेश चंचल। 73 का बी सही है, नरेंद्र शर्मा। अगला 74, निम्नलिखित में से किसकी काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है? नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। 74 का बी सही, भवानी प्रसाद मिश्र। 75, अंधा युग किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती। 75 का डी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट 76, निम्न में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है, उत्तर जय, गीत फरोश, चांद का मुंह टेढ़ा, निर्झर। 76 का सी सही है, चांद का मुंह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध की रचना है। 77, निम्नलिखित में से एक समास नहीं है, अंतर्द्वंद, द्विगु द्वंद, कर्मधारय। 77 का ए सही, अंतर्द्वंद कोई समास नहीं होता। 78, छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें ताल, लय, स्वर, मूर्छना का सम्यक ज्ञान रखा जाए। 78 का जो है कौन सा सही होगा,
ए सही होगा कि बी सही होगा? जो मंद स्वर के साथ पाठ किया जाए, सी में दिया है जिस रचना में तुक और उतार चढ़ाव हो, और डी में दिया है जिसमें वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए। तो कौन सा सटीक बैठता है? 78। 78 का आपका डी सही है, जिसमें तुक भी हो, मात्रा भी सही हो, यति भी हो, विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया वही सही होता है। आई 78 के बाद 79 की बात करते हैं। कुटज ललित निबंध के लेखक हैं विद्या निवास मिश्र, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह। 79 का सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आइए प्रश्न 80 देखते हैं। प्रश्न 80, ये रहा आपके सामने प्रश्न 80। हरि गीतिका छंद में मात्राएं होती हैं 20, 24, 28, 32, 80। 80 का सी सही है, 28 मात्राएं होती हैं हरि गीतिका में। 81, मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, तो एक दिन दिखाई देता है, यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? पुरस्कार, नशा, नमक का दरोगा, वसीयत। 81 का सी सही है, नमक का दरोगा। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित नाटकों में से एक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, संग्राम, करबला, प्रेम की देवी, मानव। 82 का डी सही है, मानव। 83, आइए प्रश्न 83 देखते हैं। 83, प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को निम्नलिखित में से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, समाजवादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, व्यक्ति आलोचना, सुधारवादी आलोचना। 83 का बी सही, प्रगतिवादी योजना आलोचना। तो इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट 84, नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं अमर देव, नंदी केश्वर, आचार्य मम्मट, भरत मुनि। 84 का डी सही है, भरत मुनि। 85, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं केशव, चिंतामणि, तुलसीदास, महाकविदेव। 85 का सी सही है, तुलसीदास। 86, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है नीर क्षीर विवेकी पक्षी, आत्मा शूर अवधूत। 86 का बी सही है, आत्मा। आइए प्रश्न 87, कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है, कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है अहिंसा, प्रपत्ति, प्रेम की पीर, हठयोग। 87 का सी सही है, प्रेम की पीर। 88, प्रश्न 88, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं क्या क्या, मतलब अलग हैं? ए, सामंत विरोध, प्रबंध शैली, मानवीय समता, निर्गुणोपासना। 88 का जो उत्तर है वो है बी, प्रबंध शैली। 89, प्रश्न 89, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं जायसी, कुतबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। 89 का सी से मुल्ला दाऊद, चंदायन की पहली रचना है सूफी। 90, राम भक्त कवि नहीं है, अग्रदास, नाभादास, सेनापति, नरोत्तम दास। 90 का डी सही है, नरोत्तम दास। 90 के बाद 91, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधि, भोजपुरी, खड़ी बोली। 91 का ए सही है, ब्रज। आई अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले पेज में। 92 अष्टछापी कभी नहीं है कुंभनदास, चरणदास, गोविंददास यानी गोविंद स्वामी कृष्णदास बताइए। 92 का आपका बी सही है चरणदास। 93 रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं कृष्णदास, नंददास, सूरदास, परमानंददास। 93 का बी सही है नंददास। 94 रीतिकाल की कवि नहीं है गुरु गोविंद सिंह, बक्सी हंसराज, वृंद, नाथुराम शर्मा, शंकर। 94 का डी सही है नाथुराम शर्मा शंकर। 95 पंक्ति दी है, बहुत अच्छी पंक्ति है, देखिए इसको और आती भी है। 95 अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत जू की परत जेही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता हैं बिहारी, मतिराम, रसलीन, यहाँ पे आलम दिया है। 95 का सी सही है रसलीन की रचना है ये। नेक्स्ट 96 भूषण की कविता का प्रधान रस है, सॉरी प्रधान स्वर है कारुणिका, कारुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्ति परक, व्यंग्यात्मक। 96 का सी है प्रशस्ति परक। 97 नई कविता की विशेषता नहीं है वाद मुक्ता, वैचारिकता, राग दीप्ति, शंका संदेह के स्वर। 97 का डी सही है शंका संदेह के स्वर। प्रश्न 98, आइए 98 को देखते हैं। रक्त है या है नसों में छुत्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जमानी। उपयुक्त पंक्तियों की रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। 98 का डी सही है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट 99 यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना। एक सेकेंड, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। प्रश्न 99 हम देख रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क की। यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा, दोषी जा कलियों को फागुन। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको बताना है। केदारनाथ अग्रवाल, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती और चौथे में दिया है गिरजा कुमार माथुर। बताइए 99 99 का सी सही है धर्मवीर भारती सी। नेक्स्ट प्रश्न 100 देखेंगे, ये रहा प्रश्न 100। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर। 100 का आपका सी सही है उर्वशी पर। आइए प्रश्न 101 की बात करते हैं, ये रहा आपका 101 नंबर का प्रश्न, ये लीजिए आइए देखते हैं 101। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्तियों में बिजली का फूल पदबंध के बारे में आपको बताना है कि प्रतीक की भूमिका कर रहा है, बिंब
बिंब विधायक है, सी में मिथ्यक है और डी में आपका जो दिया है वो दिए है फंतासी है। बताइए 101 का आपका बी सही है, बिंब विधायक है, सॉरी 101 का बी सही है, बिंब विधायक, तो आप देखिएगा बी सही है। आइए प्रश्न 102 को देखते हैं। 102 संस्कृति के चार अध्याय के लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। 102 102 का जो उत्तर है वो डी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। 103 प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, नंदलाल वाजपेयी, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा। 103 का बी सही है, नंदलाल वाजपेयी। नेक्स्ट 104 अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं झूठा सच, मैला अंचल, अपने अपने अजनबी, गुनाहों का देवता। 104 का सी सही है, अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट 105 ये छोटा कर दें थोड़ी 105 अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, कुबेर नाथ राय। 105 का ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 106 हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक हैं रांगे राघव, कमलेश्वर यादवेंद्र, यादवेंद्र शर्मा, चंद्र सुदर्शन। 106 का डी है, सुदर्शन। 107 हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिचंद, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। 107 का उत्तर है आपका वो है बी, लल्लूलाल। 108 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंग भूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। 108 का सी सही है, मंगलसूत्र। नेक्स्ट 109 प्रश्न 109 अदृप्त प्रेम और नारी मुक्ति का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मुखर है? वह है चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। 109 का डी है, बाण भट्ट की आत्मकथा। 110 हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम नागरी प्रचारी पत्रिका, सरस्वती, उदंत, मारतंड, सम्मेलन पत्रिका। 110 का सी सही है, उदंत मारतंड। 111 फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया आगरा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मथुरा में। 111 का सी सही है, कलकत्ता में। 112 शिव शंभु का चिट्ठा के रचयिता हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, केशव राम भट्ट, बाबू तोताराम। 112 का ए सही है, बाबू गुला बाल मुकुंद गुप्त, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। 113 साधारणीकरण शब्द के आविष्कारकर्ता आचार्य का नाम है, सीधे आविष्कार कारक का नाम होना चाहिए, तो भट्ट नायक, अभिनवगुप्त, वामन या उदय भट्ट।
113 का ए सही है, भट्टनायक। 114 विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना। डी में दिया है कारण कहीं कार कहीं। 114 का बी है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। 115 देखते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न 115, ये लीजिए पूरा दिखाई देगा। 115 निम्नलिखित में से सही कथन है, व्यंगार्थ निष्पत्ति में मुख्य अर्थ अनिवार्यतः बाधित होता है। व्यंगार्थ अनिवार्यतः मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। सी लक्षणा यानी लक्षणा की प्रवृत्ति मुख्य अर्थ से बाधित होने पर ही होती है। डी है लक्षणा की प्रवृत्ति में रूढ़ी अथवा प्रयोजन आवश्यक नहीं है। 115 का ए सही है। आइए 116 देखते हैं। 116 नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान रस है, विभत रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस। एक सौ सोलह का सी है शांत रस, ये नाटक में नहीं होता। 117 कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, इस मत के पोषक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 117 का आपका उत्तर है वो है ए डॉक्टर नगेंद्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अगले पेज पे। प्रश्न 118 स्वरूपतः यथार्थवाद होता है, आदर्शवाद का विरोधी, कल्पना तत्व का उपेक्षक, जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता। डी में है सामाजिक कटुता का पोषक। 118 ए सही है आदर्शवाद का विरोधी। 119 छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, सुमित्र नंदन पंत। 119 का ए जयशंकर प्रसाद। 120 कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। 120 का बी सही है जयशंकर प्रसाद, कलाधर के नाम से लिखते थे पहले कविताएं, उपनाम था इनका कलाधर। 120 देखते हैं। 120 के बाद 121 जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौमचर्यु में वर्णन किया, जैन धर्म के सिद्धांतों का, श्री राम कथा का, कृष्ण चरित्र का, तीर्थंकर महावीर स्वामी का। 121 का बी सही है श्री राम कथा का। 122 अपभ्रंश रचना भविष्यत कथा के कवि हैं, पुष्यदंत, हेमचंद्र, धनपाल, स्वयंभू। 122 का सी सही है आपका धनपाल। आइए प्रश्न 123 देखते हैं। प्रश्न 123 ये रहा आपके सामने 123 हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र है, प्रचारक राष्ट्र जीवन, उदंत मार्तन, उदयांचल। देखिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र पूछा गया है। 123 का सी सही है उदंत मार्तन। नेक्स्ट 124 दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी की ग्रंथ हिंदायत नामा के लेखक हैं ख्वाजा अहमद अब्बास इब्न बतूता, नियाज
अहमद, ख्वाजा बंदा नवाब गीसु द राज। 124 का डी सही है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। नेक्स्ट प्रश्न 125, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए दिए गए जो कूट हैं उनको सही मिलाना है आपको। यहाँ दिया है आपकी मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, और इनके सामने कुछ भाषाएं दी गई। इसको मैं थोड़ी सी छोटा कर देता हूं तो मुझे लगता है आप लोगों को सारा दिखाई देगा। ये लीजिए, अब आप देख के लगाइए, सूची एक को मिलाइए। देखिए, अगर मैं बात करूं कौन किससे मैच करेगा, ऑप्शन और भी दिखना चाहिए, हाँ अब सही है। चलिए, अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है पहले नंबर की मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश का जो संबंध होता है वो होता है बिहारी से। दूसरा दिया है शौरसेनी अपभ्रंश, जो शौरसेनी का जो संबंध होता है वो होता है आपका, शौरसेनी का जो संबंध होता है वो होता है पूर्वी हिंदी से। इसके बाद ब्राचड़ का संबंध जो होता है पश्चिमी से होता है, और सॉरी ब्राचड़ का नहीं, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलत कर दिया, एक बार हम फिर से मिला दे रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि अर्धमागधी का संबंध पूर्वी हिंदी से, ये गलत हो रहा था, मागधी का तो बी से होगा। इसके बाद तीन का हमारा खासे होगा, शौरसेनी का पश्चिमी हिंदी से होगा, और ब्राचड़ का आपका सिंधी से होगा। तो कौन किस में मैच कर रहा है, पहले का कौन सही है, ग, तो पहले का ग केवल डी में सही है, तो डी इसका उत्तर सही है, यानी 125 का डी सही है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, इसमें कुल मिलाकर के आपके 125 प्रश्न थे जो हमने कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो सुनकर नहीं लगाना, अगर आप जैसे पेपर हल करते हैं वैसे लगाना है, तो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगा ई सफलता टेलीग्राम चैनल पर, और इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाइए, ज्वाइन करिए और उससे पीडीएफ प्राप्त करिए आंसर की सहित, और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए चैनल में जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी प्रैक्टिस सेट डालूंगा डेली तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए ना, मैं आपको पहले 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसके बाद फिर मैं नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज यहीं तक, इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।